नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेयू टैलेंट प्रोग्राम। तो आज 10वीं सीरीज है और इसमें आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो एक ऐसी महिला है जिस महिला को लोग मेवात की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का जो कार्य रहा है वो वाकई सराहनीय कार्य रहा है। इनके कार्य की वजह से मेवात आज तक की टीम को यहाँ आना पड़ा है कि ऐसे लोगों को मेयू टैलेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इनका एक बेहतरीन कदम रहा है वो ये रहा है कि नगीना से तिजारा मार्ग जो है 15-20 सालों से इसकी मांग करता रहे, जिस पर खुशी की बात यह कि अब सरकार ने काम चालू कर दिया है। यानी नगीना से सीधा जो रोड है अरावली पर्वत को काट करके तिजारा के लिए दिया जाएगा। तो दूसरा जो इनका सराहनीय कदम रहा वो ये रहा है कि दिल्ली अलवर हाईवे को खूनी रोड का नाम भी इन्होंने ही दिया था। चौक से कदम कदम पर और चौक चौराहों पर इन्होंने लिखा था कि ये खूनी रोड है और सरकार इसको जल्द से जल्द फोरलेन करे ताकि हजारों लोगों की जो दर्दनाक मौत होती है उससे बचा जा सके। तीसरा इनका सराहनीय कदम रहा है, लगभग 50 के समथिंग स्कूलों को सरकार द्वारा अपनी मेहनत से इन्होंने अपग्रेड कराया है। चौथा इनका जो सराहनीय कदम रहा है, कोरोना काल में गरीबों की इतनी मदद इन लोगों ने की है कि पत्नी खाना बनाती थी, 200-300 झुग्गियों में ये खाना पहुंचाते थे। और इनका पांचवा जो सराहनीय कदम रहा है, एक महिला होने के नाते CAA का जब धरना प्रदर्शन बड़कली चौक और समस्त भारत में चल रहा था तो इन्होंने पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन किया महिलाओं के साथ में। और दूसरी बात ये रही कि ये महिला सबीला जंग भूख हड़ताल पर भी बैठी रही। इनका कार्य रहा है वो है किसान आंदोलन लेके मेवात क्षेत्र से सुनेडा बॉर्डर से लेकर के इन्होंने टीकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर तक इन्होंने अपनी जो एक कुर्बानी दी है किसान आंदोलन में। और आज किसान आंदोलन इन लोगों की वजह से, तमाम देश के किसानों की वजह से सरकार ने अपनी गलती मानी और काले कानून थे उनको वापिस ले लिया है। सातवां इनका जो फिलहाल जो अहम रोल चल रहा है वो मरोड़ा कट के लिए चल रहा है, जहां से 30-40 हजार ट्रक ड्राइवर बेचारे लगातार गाड़ियां चलाते हैं, उनको यहां सबसे ज्यादा जरूरी है कि मरोड़ा में कट दिया जाए। इन्होंने किए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले सभी लजंग का मेवात आज तक चैनल के इस मेव टैलेंट प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, अभी इस मेव टैलेंट प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेवात आज तक का, आप लोग गांव तक चल के आए हैं। सबीला जी, नगीना से तिजारा मार्ग जो बन रहा है इसमें आपका क्या योगदान रहा है? यहाँ में हमने दोनों पति पत्नी ने धरना प्रदर्शन करी, बहुत मेहनत करी जी। जब सरकार ने हमारी बात मानी अब हमारे यहाँ में काम चल रहा है, बहुत जल्दी रोड ऊपर तक पहुँच जाएगा। राजुद्दीन जंग जी, मैंने देखा था कई साल पहले आप जो है लगातार लोगों के सिग्नेचर कराते थे, हजारों लोगों के सिग्नेचर कराए थे और उसके बाद में आपने एक पेंट लेकर के, चौक लेकर के जितनी पुलिया जो आती थी इस रोड पर दिल्ली अलवर हाईवे पर, तो आप खूनी रोड लिखा करते थे। हर साल 250 लोग हमारे यहाँ मर रहे थे रोड एक्सीडेंट में जी। और किसका बेटा, किसका भाई, किसका पति कब मर जाए ये भरोसा नहीं है इस हाईवे पर जी। ये दर्द हमारे दिलों में जागा और हमने इसके लिए अभियान चलाया और रोड के दोनों तरफ जितनी भी पुलिया और हमें लगता था कि यहाँ उचित है लिखना, हमने सब पे लिख दिया था खूनी हाईवे को चौड़ा करो। मैं हमने आपको लगातार देखा था कि कई लोगों के साथ में आपकी टीम रहती थी, उस वक्त पुलिस भी आपके साथ रहती थी, तो आप लगातार तो खाना आप इतनी भारी मात्रा में मतलब किस तरीके से इकट्ठा करते थे? जब 22 मार्च 2020 को एकदम से कोरोना की बीमारी को लेकर लॉकडाउन लगाया कि भाई ये महामारी सब लोगों तक ना फैल जाए जी, तो उस दौरान सारे ठहर गए थे, जो जहां था वहीं रुक गया जी। आने जाने की इजाजत नहीं थी आगे जी। तो बहुत सारे जो मजदूर थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले थे, उनको लाले पड़ गए जी। अब 2 जून की रोटी के लिए रोटी नसीब नहीं हुई उनको जी। तो हमने जो सबीला जी हैं तो वो खाना बनाती थी, हम उनमें बांटते थे जी। धीरे धीरे लगभग 100-200-300 और 500-700 तक भी हमने खाना बांटा है लोगों को। आप अकेली तो नहीं बना सकती इतना खाना, और महिलाएं भी आपके साथ होती होंगी, तो किस तरीके से बनाती थी?
हमारी जो महिला हैं, दौरानी जिठानी सासू वासू सब में सबको बिठा लेती है। हाँ जी, आस पड़ोस की तमाम महिला आस पड़ोस की, हाँ सबको बिठा लेती तो सब मेरी मदद करती साथ में। तो वो तो कम से कम कई घंटे में खाना बनता होगा ना, ऐसे सब घड़ी इकट्ठी हो जावे इन महिला पड़े, और ऐसी बात नहीं है जल्दी बनावे खाना। तो सी डबल ए की हम बात करते हैं तो सबीला जी, जब सी डबल ए का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो उस टाइम आप भूख हड़ताल पर बैठी थी, कुछ महिलाएं भी आपके साथ में थी, तो आप पहली महिला हैं जो उस वक्त भूख हड़ताल पर बैठी थी, धरने को कवर करती थी। भाई साहब, जब आदमी में हिम्मत होनी चाहिए जी, जब हिम्मत है तो सब कुछ आसान कर देता है अल्लाह पाक, अल्लाह पे भरोसा है जी। तो ये सी डबल ए से आपको आपको क्या डर था? कुछ भी डर नहीं था मेरे मेरे अंदर, तो जो होएगा जो देखा जाएगा, जो हमने करना है को भगा दिया जाएगा, हमने जो करना है अपना मुसलमान भाई ऐसे नहीं है जो यहाँ से छटने देंगे, हम छटने नहीं देंगे। हमने अपनी धरना चालू रखी इतने तक सब और उठ गया, हम जब भी नहीं उठे वहाँ से, जब भी अपनी भूख हड़ताल हमने चालू रखी है। लेकिन सरकार ने तो सी डबल ए का जो काला कानून, तो उसको वापस नहीं लिया अभी तक, लेना पड़ेगा सरकार को, इस बात थोड़ी है। अगर लागू नहीं होने देंगे, अगर दोबारा सी डबल ए लागू होता है तो फिर आप फिर दोबारा से बैठ जाएंगे। और हमने भी देश आजाद कराना में मुसलमान की सबसे ज्यादा भागीदारी रही इसमें। जहाँ जहाँ पर गए थे तो अकेली इकलौती आप मुझे वहाँ पे नजर आई थी। भाई साहब, मेवात में सभी औरत ऐसी नहीं रहती हैं जो घर से निकलती हैं जी, एक आधी महिला ऐसी रहती है, मैं इसलिए निकलती थी, जब मैं निकलूंगी तो और बहनों का भी हौसला बुलंद होगा और भी जागरूक होंगी जी। आपका जो हस्बैंड जी है वो एक अच्छा समाज सेवक है, उनका दबाव हो, उनके दबाव से आप ना प्रदर्शन में जाती हूँ? दबाव कोई नहीं है, मेरी खुशी से, मर्जी से, मेरी खुशी के लिए, मैं मतलब मैं खुश हूँ तो सब कुछ है। आपको लोग आयरन लेडी क्यों कहते हैं? मैं अच्छा काम करती हूँ इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आप लगातार ठेकेदार वगैरह जो रोड को सही तरीके से नहीं बनाते, कई वीडियो ऐसी। हमारा हक है, धमकाने का हक है, जो काम सही तरह ना हो तो हम धमकाना चाहिए हमने, तो फिर अपना काम करवाना चाहिए धमकी से। अफसरों को धमका कर काम लेंगे आप? जो प्यार से नहीं माने धमकाना चाहिए उनको। चलिए ठीक है, तीन नेशनल हाईवे को ये कट जोड़ता है जी, एक दिल्ली मथुरा हाईवे, एक दिल्ली टू अलवर हाईवे, एक एक दिल्ली टू जयपुर हाईवे, यानी यहाँ काम चल रहा है। क्या दिक्कत है सरकार को? कट देने में कोई दिक्कत नहीं है अभी, उम्मीद है क्या आपको? बिल्कुल, मुझे 100% उम्मीद है। जब मैं ढाई तीन साल पहले शुरू किया था हमने 2019 में, तब भी हमें 100% उम्मीद है थी, और अब भी हमें 100% ही उम्मीद है, 1% कम नहीं हुई। इसलिए हम लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री तक भी हमने कल 6 पत्र भेजे हैं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो शबीला जंग और राजुद्दीन जंग का ही है, क्योंकि जब इंसान घर से निकलता है तो साथ देने के लिए बहुत सारे भाई आ जाते हैं, जो कि उनका सबका दायित्व बनता है, लेकिन शुरुआत इन्होंने की है और लगातार ये धरना प्रदर्शन आज भी जारी रख रहे हैं। 30 से 40 स्कूल ऐसे हैं जो पहले अपग्रेड नहीं थे, उनको आप लोगों ने अपनी मेहनत से सरकार को जागरूक करके सरकार तक पत्र लिख कर जो है जिला प्रशासन के सहयोग से आप लोगों ने अपग्रेड कराया है। ये साहब, जो हमारी गांवन में लड़की हैं जी, वो अब गांव के गांव पढ़ लेंगी जी, अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, ये लड़कियों को पढ़ाते नहीं है जी, बाहर नहीं भेजते हैं। तो आपके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं ना? हाँ, बेशक मेरे पढ़ रहे हैं, हर सब इंसान ऐसे नहीं होते हैं जो बाहर भेजते हैं, हर किसी के बारे में। हाँ, तो हमारे जब गांव में स्कूल 12 तक हो गए तो सब जो हमारी बेटी और बहन है सब, अब वे 12 तक अपने गांव से कर लेंगी। हमने इसलिए मेहनत करी, हमारे जब हर गांव में 12 तक स्कूल हो जाएगा तो सबकी बेटी 12 तो कर ही पाएंगी। तकरीबन 50 स्कूलों को हमने 8वीं से 10वीं से 12वीं में अपग्रेड करा दिया है, ताकि गांव के गांव, जो आसपास के गांव है, 3-4 गांवों में हमारी जो बहन बेटियां उनको पढ़ने के लिए स्कूल मिल जाए आसानी से हमारे लड़कों को। विधायक तो भाई साहब वोट मांगने के लिए आते हैं जी, वो काम करवाने के लिए नहीं आते गांव में जी, वो तो एक बार जीत के अपने घर बैठ जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं, दूसरा को नहीं करते। क्यों वोट दिलाती है उन्हें? लेती है, उम्मीद रहती है कि अच्छा नया बनाएंगे तो कोई अच्छा काम करेगा, चार बार यही सोच के। हाँ, यही सोच के वोट देता है, वो फिर जीत के अपने घर बैठ जाते हैं, वो जनता के बारे में थोड़ी सोचते हैं। शायद इसीलिए मेवात पीछे है, इसीलिए पीछे है मेवात।